हेलो फ्रेंड, आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, आपका वेलकम है रोशनी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड, मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड, आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी रही हूँ, और बिजी के अलावा आज मेरा हर एक काम जल्दी हो गया था, लेकिन मात्र मेरी जो वीडियो है उसके लिए मुझे बहुत लेट हो गया है आज। और मैं शाम का 7 बजने वाला है, मैं 7 बजे वीडियो बना रही हूँ, और बना इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरा काम लेट हो गया था। लेकिन जो नल आते हैं, नल खुलते हैं, सो नल में मेरी दिक्कत हो गई थी कि लाइट, आज बहुत लाइट ने परेशान किया है। सो हम लोगों के यहाँ आज नल बहुत लेट हो गए हैं आने को। सो समथिंग 3 बजे तो मैंने नल से पानी भरा है काम पूरा करके, और मेरी बेटू वहाँ देख रहे होंगे, आप लोग खेल रही है। सो मैंने काम पूरा करके 3 बजे मैंने और पानी भरा है, और पानी भरने के बाद मैं फ्री हो गई। मेरी बेटू अचार के लिए जिद करने लगी आज फिर से। और देखिए आप लोग, मैंने अपनी बेटू के लिए ये नई इनर ली है। सो देखिएगा, आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही है। और मैंने बेटू खड्डा हो, मैंने इसको ये इनर ली है पर डे के हिसाब से, और पर डे के हिसाब से मैंने इनर ली है। और इसके पास बहुत सारे स्वेटर हैं और इनर भी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी मेरा दिल किया कि मैं ले लूँ। बच्चे हैं, माँ को हमेशा लगने ही लगता है कि मैं अपने बच्चों को कितना कर दूँ। तो मैंने अपनी बेटी के लिए ले ली है ये इनर। दे भैया खड़े हो, बाबू खड़े हो, दिखाओ अपना इनर, दिखाओ। देखो फ्रेंड कैसा लग रहा है मेरी बेटू का इनर। सो फ्रेंड, और मैं आज इसलिए लेट हो गई हूँ कि पानी वानी भरने के लिए भी आज मैं लेट हो गई हूँ। पानी के अलावा फिर हम लोगों के यहाँ मतलब बहुत सारा काम पड़ जाता है दिन में, जिस दिन नल आते हैं उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा काम पड़ जाता है। सो फ्रेंड, हम लोग, मेरा आटा ख़त्म होने वाला है। सो मुझे आटा ख़त्म होने वाला है, सो मुझे गेहूँ साफ़ करनी थी। मैं इकट्ठी कर नहीं पाती हूँ साफ़, इसलिए कि मुझे एक दिन तो चालने में लग जाता है, फिर मैं दूसरे दिन बीन पाती हूँ। सो मैंने आज चाल के गेहूँ रख दिया है, और समथिंग मैंने 1 बोरी गेहूँ चाला है। मुझे काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि गंदा भी था काफ़ी। सो अभी उसको बीनने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, और जब मैं उसको बीनूंगी तो समथिंग मुझे 2-2.5 घंटे उसको बीनने में लग जाता है, क्योंकि मैंने पिछली बार गेहूँ साफ़ किया था। तो मैं समथिंग काम करके खाना पीना खा के मैंने नाइट में ही बीना था उस बार भी, क्योंकि मैं नाइट में ही बीन पाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ जाते हैं उस समय। सो मेरे हस्बैंड आ जाते हैं तो मैं अपना काम कर लेती हूँ, इसलिए कि क्योंकि अगर मैं गेहूँ बीनने के लिए बैठूँगी तो मेरी बेटी तू 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 तू, मेरी बेटू कर रही है तू 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 तू, कर लू भैया तू तू पुच्ची दे दू, अली पुच्ची दे दी भैया ने। सो फ्रेंड, मेरे हस्बैंड आ जाते हैं जब मैं काम कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटू बहुत ही शैतान करती है, और शैतान करती है तो ये लगने लगता है कि बच्चा है उसको तो क्या है, शैतानी करने से मतलब है, और शैतानी कर रहे तो ये लगने लगता है कि कहीं से गिर नहीं जाए, गिर जाए तो लग जाएगा, तो उसको भी दिक्कत हो जाएगी और अपने को भी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जब मेरे हस्बैंड जी आ जाते हैं तो खाना पीना खा के मेरे हस्बैंड उसको लेटा लेते हैं, और वो लेटा लेते हैं, मैं अपना टीवी देखती रहती हूँ, गेहूँ बीनती रहती हूँ। मुझे पिछली बार नाइट में गेहूँ बीनते बीनते मुझे 1 बज गया था, मैंने 1 बजे रात तक गेहूँ बीनी थी, क्योंकि दिन में मैं उतना नहीं कर पाती, मेरी बच्ची परेशान करती है। अगर मैं वहाँ गेहूँ बीनूंगी दूसरी जगह तो ये यहाँ पे सब फैला देगी। सो मैं इस वजह से जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं तो वो इसको देखे रहते हैं, क्योंकि गेहूँ थोड़ा माइंड फ्रेश होके बीनूँ तो अच्छा रहता है, वरना कंकड़ वंकड़ चले जाते हैं तो गेहूँ में किस किस भी होने लगती है आटे पे। सो फ्रेंड, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे ससुर आ गए हैं,
सुबह टीवी देखने में जुटे हुए हैं, और मैंने गेहूँ चाला भी कैसे है कि मेरे हस्बैंड जी आज घर में रहे हैं, रोक लिया था मैंने उनको, सो मेरे हस्बैंड घर में रहे और मैंने गेहूँ चाल ली है, और मेरी बेटू को वो खिलाते रहे हैं, और गाड़ी फोर व्हीलर गाड़ी है तो उसको भी साफ किया उनने, और बेटू को भी देखते रहे हैं, और बस मैंने गेहूँ चाल ली है। अब आज मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, तो मैं आज अगर बनेगा तो आज गेहूँ बीनूंगी, और नहीं बनेगा तो फिर कल तो पक्के से नाइट में नहीं तो दिन में बीनूंगी, लेकिन गेहूँ भी बीनना है क्योंकि आटा ख़त्म होने वाला है। और मेरी बेटू देखिए, आप लोग खुद दिख रहा होगा, मेरी बेटू ऐसा शैतान करती रहती है, खेलती रहती है अपना, और शैतान भी करती रहती है, तो लगने लगता है कहीं ऐसा नहीं, और गैस के बर्नल वगैरह भी निकाल देती है। सो देखिए पीछे वो शैतान करने में जुटी हुई है, झड़िया लेके आई है, कटोरी लेके आई है, और देखिए और भी आप लोगों को दिख रहा होगा, जितना मेरा स्टैंड में चम्मच वम्मच कटोरी वटोरी रखे हैं सब लाला के बेड में रख देगी, मुझे उठा उठा के रखना पड़ता है। सो मुझे दिन भर ये काम में लगा के रखती है। सो देखिए लाला के कितना सारा सामान रखा है, देखिए आप खुद देखिए, ये देखिए, ये देखिए चम्मच फैला के रखी है, और भी देखिए ला रही है, देखिए आप खुद, और भी ले लेके आ रही है, देखिए आप खुद, चम्मच लेके आई है, कुकर का ढक्कन लेके आई है, कटोरी लेके आई है, कितना सारा सामान लेके आई है मेरी बच्चू, बर्तन स्टैंड से सामान फैलाने में जुटी है, और अभी अचार मांग रही थी, अचार को भूल गई है और शैतानी में जुट गई है। सो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरी बेटू कर रही है शैतान। सो जितना उसने ये अपना तामझाम लगा के रखा है, सो मैं इस तामझाम को अलग कर दूंगी, और देखिए वहाँ लगा दिया है उसने बर्तनों को चम्मच वम्मच, और यहाँ देखिए आप लौटने में जुट गई है। सो आज फ्रेंड हम लोगों के यहाँ मौसम भी काफ़ी अच्छा है, और हम लोगों के यहाँ आज दिन में धूप भी नहीं निकली है, और आज पूरे दिन बादल रहे हैं, सो मेरे कपड़े भी नहीं सूखे हैं। सो मैंने बाहर बाथरूम के पास मैंने अपने हस्बैंड से रस्सी लगवाई थी, सो मैंने उसी में फैला दिए हैं, सुबह सूख जाएंगे। सो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरी वीडियो पूरा देखिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे पापा जी, मेरे ससुर टीवी देख रहे हैं, उनको न्यूज़ देखने का बहुत शौक है, और मेरे मिस्टर भी आ गए। हेलो, और मेरे हस्बैंड जी भी आ गए हैं दुकान से। सो चलिए फ्रेंड, देखिएगा कपड़े कपड़े चेंज करेंगे। गए हैं मेरे हस्बैंड भी, तो चलिए फ्रेंड चलते हैं, मेरे हस्बैंड चाय बनाऊंगी, सो मेरे हस्बैंड भी चाय पियेंगे, मैं भी चाय पियूंगी, सो आप लोग भी आ जाइए जल्दी जल्दी। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।